सो मैं अभी आ गया हूँ पॉल्यूशन चेक पे। पॉल्यूशन वेयर ही नहीं होना है। अभी मेरा पॉल्यूशन वैलिड है 25 फरवरी 2020 तक के लिए, तो अब मैं टेंशन फ्री बाइक चला सकता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल एंड हैप्पी टुडे। सो अभी आप सोच रहे हो कि मैं सुबह सुबह ये पॉल्यूशन रिन्यू करा रहा हूँ तो क्या सीन है एकदम से अचानक पॉल्यूशन पर। सीन ये हुआ कि पॉल्यूशन मेरा एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब अप्रॉक्स 23 डेज निकल चुके थे और मेरे को इस बात की खबर नहीं थी। मुझे लगा कि मेरे पास कोई मैसेज वगैरह नहीं आया है, बट ऐसा नहीं था। मेरे पास मैसेज भी आया हुआ था कि पॉल्यूशन एक्सपायर हो रहा है, बट मैंने उसको रिन्यू नहीं कराया। तो लेकिन अचानक से मेरी अकल ठिकाने लगी। उसका जो रीज़न है वो ये नहीं था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले ये वाला क्लिप देखो जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ। हाँ सारा सिस्टम है। हाँ सही है, भाई। इसमें कैमरा सब है इसमें। हाँ। से गुजर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हेलमेट तो वही है, नॉर्मल हेलमेट तो नॉर्मल है, वही 2000 की कीमत अलग से। हाँ कीमत में अंदर स्पीकर भी इसमें ऑटोमेटिक ये, और वो इंश्योरेंस मोबाइल में ख़त्म क्यों हो रहा? 311 करवाते तो रेगुलर है, लेकिन अब पता नहीं चला इस बार, इसका पता नहीं चल पाया। 311 इसी महीने ख़त्म हो रहा है ना, पॉल्यूशन ख़त्म हो रहा है 3 तारीख से। जीपीएस पे होगा? जीपीएस नहीं है अंकल। आप एक काम करो अंकल, आप आरसी अभी रख लो, मैं लौट के चालान कटवा लेता हूँ, आप आरसी जमा कर लो। कैमरा वीडियो वगैरह बनाते हैं, मतलब जो रास्ते में लोगों की मदद वगैरह करते रहते हैं। अब वीडियो बन रही है इसमें? अभी भी बन रही है। क्या बात कर रही है क्या? आप आरसी और लाइसेंस रख लो, मैं लौट के चालान कटवा लेता हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? लौटूंगा मैं यहीं से निकलूंगा ना, तो फिर बाइक वहाँ खड़ी करके फिर यहाँ आ जाऊँगा। मैं रेगुलर कराता हूँ, मेरे को अब इस बार मिस हो गया, मेरा हर बार अपडेटेड रहता है। कब कराओगे जब? अब मैं कल ही कराऊँगा। सुबह करा देना इसको? नहीं, वो तो मैं बिल्कुल कराऊँगा। अभी आप रख लो फिर आरसी, फिर मैं लौट के करा लेता हूँ चालान, ठीक है सर? जाओ ले जाओ। चलो पहले यही काम कराना इसको? नहीं नहीं, सबसे पहले यही कराऊँगा। थैंक यू सर। तो जैसा कि पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी तो अभी तो छूट गए हैं। तो देख लिया आपने, तो ये सीन हुआ था मेरे साथ कल। कल एक्चुअली जब मैं रात में सीपी की तरफ जा रहा था तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया था, तो मुझे लगा कि भाई मेरा तो सब कुछ ओके है, तो मैं तो एकदम चौड़ में वहीं रुक गया था। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने पॉल्यूशन का पेपर खोला और बोला कि ये भाई ये तो एक्सपायर्ड है मेरे मैं क्या बोलूँ कि मैं उस टाइम पे एकदम पूरा ब्लैंक हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या सीन हो गया, अब तो कटेगा। बट फिर मैंने उनसे बात करी तो फिर उन्होंने मुझको ऐसे ही जाने दिया। बाकी वो पूछ रहे थे ये हेलमेट पे क्या क्या लगा रखा है, मैंने कहा कैमरा लगा हुआ है, इंटरकॉम लगा हुआ है, हेलमेट कितने का है और ये क्यों लगा रखा है, तो सारी बातें करता रहा मैं। और बातों बातों में फिर उन्होंने मुझे जाने दिया और बोला कल सबसे पहला काम यही कराना। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला काम निकलने के साथ मैंने यही कराया, पॉल्यूशन रिन्यू कराया मैं नहीं चाहता किसी लफड़े में पड़ना। तो फिलहाल तो पॉल्यूशन रिन्यू हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ, एज़ ऑलवेज ऑन द सेम रूट, नोएडा एक्सप्रेस वे। आज मेरी भगाने की इच्छा कोई नहीं है, आज मैं आराम से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सोच में इतना डूब जाऊँ कि गाड़ी चलाने पर ध्यान ना दे पाऊँ। तो अभी फ़िलहाल कंसंट्रेट करेंगे ड्राइविंग पे, कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेनी है अभी।
बाकी काफ़ी दिन पहले मैंने एक ट्रिप की बात करी थी, मैं उस ट्रिप के लिए भी प्लान कर रहा हूँ दोस्तों। और आई एम सॉरी कि यार नई वाली डोमिनर जो है मैं लेने वाला था, जो 2019 मॉडल, तो वो अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है। सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई 2019 वाला मॉडल अभी मत लो, 2020 वाले का वेट कर लो, और हो सकता है कुछ अच्छे ऑप्शंस निकल के आ जाएं, क्योंकि ये 2019 एंड है और हर कंपनी अपना अपना कुछ ना कुछ बेस्ट मॉडल निकालेगी 2020 में। तो वो सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भाई मतलब इतना जल्दबाजी मत करो कि बाद में तुम ये बोलो अरे यार इतने पैसे लगा दिए, मैं तो ये ले सकता था। इंस्टाग्राम पे भी मैंने पोस्ट डाला था, तो 75% पीपल्स आर जस्ट सेइंग कि भाई अभी मत लो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन। तो फिर बस अब डिसाइड हो चुका था कि मतलब हर तरफ से लोग एक ही बात बोल रहे हैं, तो जो ऑडियंस पोल है तो हम उसी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, तो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, ऑडियंस पोल को चुन के। आ गया ट्रैफिक वाला माहौल, यहाँ पे ट्रैफिक वाला माहौल बन ही जाता है नोएडा गेट पे। वो एक्चुअली रेड लाइट भी पड़ जाती है थोड़ा सा, और लोग भी रुक लेते हैं अपने आप को, और चलते हैं जी आराम से। वैसे आज का व्लॉग जो है मतलब ऑफ़िस पहुंचने के साथ ही एंड हो जाएगा, रीज़न बीइंग जब मैं लौटूंगा तो फिर रात हो जाएगी, और रात के टाइम पे कुछ दिखता तो नहीं है, बट हाँ कैमरा मैं ऑन रखता हूँ हर टाइम, तो सब वही रहेगा कि कैमरा ऑन रहेगा। अगर इनकेस कुछ होता है तो आपको उस व्लॉग में ऐड करके दिखाऊंगा, अदरवाइज़ व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूंगा जब वो वाला रोड आएगा। ये क्या हो गया भाई, भगाने का मन अचानक से हो गया था, रोड अच्छा देख के अचानक से भगाने का मन हो गया, तो सोचा लाओ थोड़ी सी भगा लेते हैं। रेस्ट, अबे यार दबा दे। यार होंडा सिटी वाले भाई ने मेरे को बिल्कुल दबा दिया था, चलो मानता हूँ उसकी भी मजबूरी होगी, वो बस की वजह से लेफ्ट बस की वजह से राइट ले रहा है, बट एटलीस्ट आई थिंक उसको ब्रेक लगा लेने चाहिए थे, बिकॉज मैं उसके राइट में हूँ, मेरे पास तो जगह नहीं है ना, मैं कहाँ जाऊँ, फिर मजबूरी में मेरे को ही ब्रेक लगाने पड़े, बट एक्चुअल में उसको ब्रेक लगाना था। लेट्स इग्नोर दिस, आगे बढ़ते हैं। थार सही लगती है ना ये, और ये फुली पैक्ड थार है, फुल एसी जैगुआर। तो ये जो ऐसी गाड़ियाँ हैं जो हम नहीं ले सकते हैं अभी या कभी, पता नहीं है भाई, क्योंकि अब हमारे पास कोई इतना बड़ा बिजनेस भी नहीं है, और देखो क्या सिचुएशन होती है, कब हम एक कार ले पाएंगे। अभी तो मैं एक फोर व्हीलर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेहनत करनी पड़ेगी ज़िंदगी में, पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसा कमाना तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यार। अभी तो हमारे खर्चे 30-40 हज़ार पहुँचते हैं तो हमारी फट जाती है कि भाई ये क्या हो गया, और जब कार और घर वगैरह ले लेंगे तो बहुत मेहनत करनी है भाई, बहुत मेहनत करनी है। यार पीछे एक वो फ्रूट लगा हुआ है येलो कलर का, वो मेरे को चाहिए, उसे शायद विदेशी खरबूजा बोलते हैं, मे बी, आई एम नॉट श्योर, डोंट कोट मी ऑन दिस, आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि उसे क्या बोलते हैं तो मुझे पता चल जाएगा। आ गए हम अपने पुराने फेवरेट रोड पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी टाइम हो गया है मैं तो वीडियो भी डाल रहा हूँ, आई नो कि मतलब उतना इंटरेस्ट आपको नहीं आ रहा होगा अभी मेरे वीडियोज़ में, बट जैसे जैसे मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मेरा भी मतलब अंदर से रहेगा कि मैं और भी अच्छा और भी अच्छा और भी अच्छा करूँ। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हो, हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मी, एक सब्सक्राइब आपको मुझे मिलेगा तो मेरे अंदर और मोटिवेशन आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए करते हैं गुड बाय, ऑफिस पहुंचने वाला हूँ, टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, राइड सेफ एंड टेक केयर, बाय।